अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीज़ फायर अनाउंस करके इसराइल ने जो है वो दोबारा से अटैक किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक वी लाइक ऑनेस्टली डज नॉट कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि पहले भी पास्ट में सीज़ फायर्स हुए हैं, बहुत इस तरह से रेजोल्यूशंस पास हुए हैं एंड दे हैव बीन वायलेटेड। और आई थिंक दिस इज़ द टाइम वेयर इतनी अगर मूवमेंट को हीट मिली है तो वी कैंट लेट इट डाई डाउन, और इट दिस ऑक्यूपेशन मस्ट कम टू एन एंड, दिस इलीगल ऑक्यूपेशन। इसराइल ये जो दिखावा कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, सब पे टूटी हुई क़यामत आई हुई है। इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मुस्लिम चुप नहीं बैठेंगे, हमसे जितना होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पाकिस्तानी आवाम सपोर्ट कर रही है, जितना भी कर रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रेस क्लब के बाहर सब आए हैं, अपने मुस्लिम भाई अपने बहनों के लिए आए हैं। यूएन ने एक आइडिया दिया है जिसके तहत पीस वर्कर्स जो है वो फ़लस्तीन में जाके काम करेंगे, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन में आना तो चाहिए, क्योंकि एक स्टेप फॉरवर्ड ये, बट दिस इज़ंट इनफ। 73 ईयर्स से पैलेस्टाइन ऑक्यूपेशन में है, पीस वर्कर्स ने जाके क्या करना है? पैलेस्टीनियंस ने खुद कहा है कि हमें चैरिटी से ज़्यादा अपनी फ्रीडम की ज़रूरत है। पैलेस्टीनियंस डिज़र्व मोर देन जस्ट टू नॉट गेट बॉम्ब्ड, उनको अपनी फ्रीडम चाहिए, उनको अपनी सेफ्टी चाहिए। जो फॉरेन मिनिस्टर ने पीस कीपर्स के बारे में कहा है वो ज़रूरी है इसराइल की एट्रॉसिटीज़ को रोकने के लिए। वो वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके चार्ज टेक चार्ज करें, वहाँ पर जितना भी हो रहा है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसकी इसराइल को, उसको जाके रोका जाए वहाँ पर। ये ज़रूरी है क्योंकि पीस कीपर्स का और मकसद ही है बनने का, अगर वो ये नहीं करते तो ये दे आर फेल्ड, उनका फेल है वो बिल्कुल। मतलब बाकी जगह पे ठीक है, उन्होंने जेनोसाइड रुकवाया जिस तरह भी था, लेकिन अभी ये नीड ऑफ द आवर है कि वो लोग वहाँ पे जाएं और जाके इसराइली एट्रॉसिटीज़ को हॉल्ट फैलाएं। बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स जाए और वहाँ के इनोसेंट लोगों को बचाए, वहाँ पे होली साइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जाए, और ये बहुत जल्दी कर देना चाहिए इससे पहले कि इसराइल और मजालिम ढाए फ़लस्तीनियों पर। और गाज़ा के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो भी जाके पीस कीपिंग फोर्स ही रोक सकती है ताकि ज़्यादा देर तक पीस रहे। करना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप इज़ एवरीथिंग। अगर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे देन ही कुछ हो सकेगा, तो ऑब्वियसली करना चाहिए। और इसराइल के लिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक मैसेज इसराइल के लिए कि वो अपने 1948 वाले बॉर्डर्स वापस चले जाए और फिर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा टू स्टेट सॉल्यूशन के बेसिस के ऊपर, उसके बगैर नहीं। इसराइल, हम मुस्लिम हैं और हम हमारे अंदर दीन है और हम चुप नहीं बैठेंगे, और हमसे जितना होगा हम इसराइल को तबाह करके छोड़ेंगे, क्योंकि इसने हमारे मुस्लिम भाइयों पे, बहनों पे, बुज़ुर्गों पे हमले किए हैं, और ये हमें कति बर्दाश्त नहीं है। आई डोंट हैव ऑनेस्टली मेरे पास, अगर हम कुछ भी इसराइली को पाकिस्तानी कहते भी हैं तो वो उसको एंटी सेमिटिज़म लेबल कर देते हैं। शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू भी आपने देखा ही होगा, उन्होंने सिर्फ कहा था कि इसराइल के हैज़ डीप पॉकेट्स और उनके कनेक्शंस हैं, लेकिन उनको भी जो अमेरिकन एंकर थी उन्होंने लेबल कर दिया था कि आप एंटी सेमिटिज़म फैला रहे हैं। और एंटी सेमिटिज़म कैसे फैला रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इसराइल का इन्फ्लुएंस मेंशन किया था। तो I think I am indifferent towards Israel because Israel does not even deserve our thought of the day. I just hope that they realize that they free Palestine. Israel के लिए, Israel को recognize नहीं करते, उसे message क्यों दूँ मैं? मतलब it is clear कि वो लोग एक apartheid state हैं, एक illegal settlers हैं वो, जिन्होंने बिल्कुल एक गलत तरीके से आकर दूसरों के लैंड पर कब्ज़ा किया है। पाकिस्तान अपना रोल डिप्लोमेटिकली और स्ट्रॉन्ग करे और इस केस को अच्छे तरीके से बाकी को मोबालाइज़ करें, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ को नहीं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो हैं जिसके अंदर आपके चाइना, रशिया, इनको मोबालाइज़ किया जाए ताकि वो भी डिप्लोमेटिक एक इंडेवर्स में आपके साथ दे सकें। वेयर आउट फॉर यू एंड यू वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग। इसराइल को ये मैसेज है कि अगर वो समझ रहा है कि कुछ हो नहीं सकता तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम लोग आज आवाम निकली है तो इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसको भी खड़ा करने वाली आवाम ही है, तो हम उसको गिरा भी सकते हैं फिर।